नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो हाँ दोस्तों, ये मेरी मम्मी हैं। तो मम्मी घर पे आई है छुट्टी बनाने के लिए। तो हर साल तो मम्मी मुझे घर पे ही आचार भेज देती है, पर ये साल मैंने सोचा आप घर पे आओ मेरे और आचार बना के दो। बच्चों लोगों को बहुत ही पसंद आता है इनकी एकदम स्पेशल रेसिपी। दोस्तों इनका जो आचार एक बार आप खाओगे ना दोस्तों, तो सही में खाते ही रह जाओगे, गारंटी के साथ मैं आपको बता दूँ। एकदम परफेक्ट प्रमाण बताए, इस प्रमाण से आप बनाओगे ना तो सही में खाते रह जाओगे। ज़्यादा बातें हम करते नहीं हैं, चलो फिर बनाते हैं आम का आचार। आचार तो यहाँ पर हमने 2 किलो के प्रमाण में आपको मैं आचार बताऊंगी एकदम परफेक्ट प्रमाण के साथ। इस तरीके से आप बनाओगे दोस्तों, आचार आपको एकदम परफेक्ट बन गया। थोड़ा यानी थोड़ा भी खराब हो गया ना कुछ भी नहीं, और बिना फ्रिज के आप रख सकते हो दोस्तों। तो 2 किलो में हमने कैरी ली, कैरी को मैंने बाहर से कट कर लिया। ये राजापुरी कैरी ली दोस्तों, इस तरीके से बड़ी वाली आती है ना कैरी, यही लेना है। एक खास करके आचार की कैरी होती है, इससे जो स्वाद ना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि राजापुरी कैरी का ही आचार डाले, इसका स्वाद अच्छा लगता है। अभी से मैंने धोकर और कट किया है, पहले कट नहीं करना है। अच्छी तरह से कैरी लेनी है मार्केट में से, एक अच्छी तरह से धो के कपड़े से पोंछ कर फिर इस साइज में हमें कट कर लेना है। इसे मैं बाजार में से कट करके लिए दोस्तों, घर से कट नहीं होता ना इसलिए। एक सीक्रेट तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने लेना है 2 किलो में 100 ग्राम जितना नमक। ध्यान रखें 2 किलो में 100 ग्राम नमक लेना है। यदि 1 किलो का प्रमाण में आचार बना रहे तो 50 ग्राम लेना है। अभी 100 ग्राम जितना हमने नमक ले लेना है, इसके अंदर डाल देना है। नमक डालने से क्या होता है, आचार हमारा थोड़ा भी खराब होता नहीं, ये हमारा होता है सीक्रेट तरीका। अब यहाँ पे लेना है 2 बड़े चम्मच जितनी हल्दी। हल्दी डालने से क्या होता है दोस्तों, हमारी जो आचार यानी कि कैरी काली नहीं होती है। अब इसे अच्छी तरह से हमें चला लेना है, मिक्स कर लेना है। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगी इस तरीके से बनाना है आचार। तो यहाँ पे एक बड़ी वाली छन्नी ले लेते हो, एक बर्तन ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी वाली छन्नी लेनी, इसे मैंने थोड़ा बड़ा वाला लिया है और नीचे एक बर्तन रख लिया है, देख सकते हो। क्योंकि 2 किलो का आचार हम बना रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा वाले ले, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। क्योंकि हम लोग आचार बनाए तो साफ सुथरा ही बर्तन चाहिए, थोड़ा भी खराब नहीं चाहिए। अब जो हमने नमक और हल्दी हमने डाल के रखी थी, इसके ऊपर हमें डाल देना है। अब ये करने का कारण मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, इससे करने क्या होता है, थोड़ा गीलापन हो वो पूरा निथार देना चाहिए। ये निथारने से क्या होता है, आचार हमारा अच्छा रहता है। आप ऐसे प्रोसेस नहीं करो तो आचार हमारा खराब भी हो जाता है। अब इसे हमें 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, नीचे बर्तन रखना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा आम का, नमक का, हल्दी का, वो नीचे गिरते जाएगा और हमारी कैरी अच्छी बनेगी, एकदम सेफ रहेगी दोस्तों। तो 8 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है। यदि आपके पास ज़्यादा समय तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। 8 घंटे के बाद हम इसे देखेंगे आगे। अब यहाँ पे 8 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो कैरी हमारी थोली भी काली या कुछ भी नहीं पड़ी। आप देख सकते हो कलर कितना बढ़िया आ चुका है। इसे मैंने छन्नी में बड़े वाले रख दिया था, आप देख सकते हो कि इतना पानी निकल चुका है। ये पानी हमें नहीं यूज करना है दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट करी डाल देते तो हमारा जो आम का अचार खराब हो जाता है। तो यहाँ पे ये पानी को हमें निकाल लेते हैं। अब करते हैं मेन प्रोसेस, यहाँ पे मेन तरीका होता है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे मैंने कागज ले लिया है, आप न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ये रखने का कारण इसलिए बताते हैं, जब हम इसे कैरी डालेंगे तो हमारी जो नीचे की लादी यानी कि फर्ची वो खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे पेपर रखना है। अभी पेपर के बाद हम यहाँ पे रख लेते हैं किचन टॉवल, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला कॉटन वाला रुमाल ले लेना है, इस तरीके से इसे फैला देना है। अब जो कैरी हमने ली थी इसे अच्छी तरह से निथार लिया, थोड़ा भी पानी इसमें नमक का और कैरी का पानी नहीं है, तो इसे हमें इसमें डाल देना है। आप देख सकते हो पूरा ड्राई होना चाहिए, और इसे अच्छी तरह से इसे फैला देंगे और 5 घंटे के लिए इसे हमें पंखे के नीचे रखना है, धूप में नहीं रखना है दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है। यदि आप इसे धूप में रखोगे तो हमारी कैरी है ना सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा नहीं, सिर्फ पंखे के नीचे इसे 5 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते। 5 घंटे के बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। अब अभी 5 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो पहले से हमारी जो कैरी कितनी ड्राई हो चुकी है, और ये थोड़ी यानी थोड़ी भी काली पड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। ये मेरे मम्मी का प्रमाण है दोस्तों, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। अभी वही मेरी मम्मी अभी मेरे इधर आई है, वो आपको बताएगी एकदम परफेक्ट प्रमाण के साथ। इस तरीके से आप जो आचार बनाओगे दोस्तों, जो पहली बार भी बनाएगा उनका भी गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ एकदम परफेक्ट ही बनेगा। अभी करते हैं मेन प्रोसेस, परफेक्ट प्रमाण बताएगी। तो आइए, कितना लिया है हमने नमक, 150 ग्राम, 150 ग्राम नमक लिया, और राई की दाल 150 ग्राम, 150 ग्राम राई की दाल ली। ये हाँ। कितने किलो में हमारे 2 किलो आचार, 2 किलो आचार में 150 ग्राम कैरी में, ओके परफेक्ट प्रमाण है ना। और मिर्ची हमारी 100 ग्राम, 100 ग्राम 100 ग्राम लाल मिर्च लेनी है, और यहाँ पे हमने लेना है 2 चम्मच ये वाला जो छोटा चम्मच यूज किया ना हमने नाश्ते में, वो चम्मच हमने लेना है, बराबर ना ही। हाँ, 50 ग्राम हमें लेना है मेथी के दाने, और 1 बड़ी चम्मच लेनी है जीरा, और ये 50 ग्राम लेनी है वरियाली, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हमने धनिया लेना है, और
10 ग्राम और 10 ग्राम लौंग 10 ग्राम और 10 ग्राम हमारी लेनी है ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे खड़ा वाला हींग लेना है दोस्तों, पाउडर वाला हींग ना ले, इसका जो टेस्ट होती है आई बोलती है, मैं मम्मी को आई बोलती हूँ दोस्तों, तो आई बोलती है इसका जो स्वाद ना आचार में अच्छा लगता है, इसलिए सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे खड़ा वाला ही नमक लेना है, हींग लेना है बातों में हो गया। तो ये अभी कितना लिया हमने लहसुन, लहसुन कितना लेना है 100 ग्राम लहसुन लेना है। ये इसका एकदम परफेक्ट प्रमाण है दोस्तों, एकदम परफेक्ट 2 किलो कैरी के अंदर इतना हमें सामग्री लगने वाली है। अभी करते आगे की प्रोसेस। पे मिक्सर का बर्तन ले लेते हैं और यहाँ पे हमने लेना है वरियाली, वरियाली मिक्सर के जार में डाल देनी है। इसी के साथ ही हम डाल देते हैं जीरा, जीरे के साथ ही हम डालेंगे धना और धने के साथ डालेंगे मेथी के दाने। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बताने वाली हूँ, जो भी हमने यहाँ पे सामग्री डाली इसे मैं भुनना वगैरह कुछ भी नहीं, ये जितनी भी मैंने सामग्री ली थी यानी आई बोल रही थी यहाँ पे ये कच्चा ही डालना है। यदि हम इसे भुनोगे तो इसका जो स्वाद ना दोस्तों आचार में थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सारी जो भी सामग्री हम बताने वाले तो इसे ऐसे ही कच्चे में हमें दरदरा पीस लेना है, पाउडर के जैसे ना पीसे इस बात का ध्यान देना, सिर्फ यानी सिर्फ दरदरा पीसना है। तो अब इसे हमें दरदरा पीस लेते हैं। बड़ी वाली परात ले लेनी, जो भी हम सामग्री डालेंगे इस परात में डाल के बड़ा वाला बर्तन ले लेना है। अभी एकदम अच्छी तरह से हमने दरदरा पीस लिया, आप देख सकते हो। इसी बर्तन के अंदर हमने लेनी है दालचीनी और इसमें लेना है थोड़ी सी लौंग और यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल के रख लिया है, आप देख सकते हो आधा आधा चम्मच जितना ब्लैक पेपर और लौंग निकालेंगे क्योंकि इसे हमें तेल में फ्राई करना है, इसलिए आधा इसमें डालना है और आधा मिक्सी जार में डालना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से पीस लेते हैं, अच्छी तरह से पीस ले, इसे भी एक साइड में हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें एक साइड में निकालते जाना है, जैसे मैं मसाले बता रही हूँ दोस्तों वैसे अलग अलग इसे डालते जाना है। उसी मिक्सर के जार में हमने लहसुन भी डाल देना है और यहाँ पे मैंने थोड़ा बचा के रख लिया है, आप देख सकते हो 15 या 20 कली बचा के रख लेनी है। अब इसे दरदरा पीसना या ज़्यादा महीम ना पीसे, सिर्फ दरदरा पीसे, यदि दरदरा पीसना ना हो तो आप इसे हल्का हल्का कूट भी सकते हो कुल्ठन में। उनको भी हमने दरदरा पीस लिया, आप देख सकते हो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हींग लेना, हींग को अच्छी तरह से कूट लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे गैस ऑन कर लिया, यहाँ पे कड़े के अंदर हमने तेल डाल दिया। अभी मैं आपको प्रमाण बताऊंगी, 2 किलो कैरी ली तो यहाँ पे हमने 1.5 किलो जितना तेल लेना है। क्या आचार जो हम बनाते हैं दोस्तों तो आचार में तेल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, जितना अच्छा तेल ज़्यादा होता है ना उतना आचार हमारा अच्छा रहता है, यदि आचार में तेल कम हो जाता है तो आचार हमारा जल्द से जल्द खराब हो जाता है। तो 2 किलो में 1.5 किलो तेल ले लिया एकदम परफेक्ट प्रमाण के साथ, मैं आपको बता रही हूँ। गैस ऑन कर लिया, अभी तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना, तेल में जो भी कच्चापन हो निकल जाना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं तेल को। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने चेक कर लिया, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे जो लौंग ली थी थोड़ी बचा के वो डाल देनी है, इसी के साथ ही हमें डाल देनी ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे डाल देते लहसुन, गैस अभी बंद कर देना है हमें क्योंकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है ना, इसलिए जो लहसुन की कलियाँ हमने बचा के रखी थी वो भी इसके अंदर हमें डाल देनी है। अब इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। गैस पे से हमने उतार लिया, ये मसाले डालने का कारण मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि लौंग मिरी यहाँ पे लहसुन डाला तो तेल में इसका फ्लेवर उठ जाता है। अब इसे मैं थोड़ा कर लेती हूँ साइड और करते हैं आगे की प्रोसेस। नमक था ना इसे मैंने पीस लिया, अभी इसे एक थाली में डाल देना है, आप देख सकते हो आई कैसी डाल रही है, आप देख लेना है, ये अच्छी तरह से इसका परफेक्ट प्रमाण है दोस्तों। अभी जो हमने पीस के रखी थी जब सारी सामग्री, इसे गोल में रखना है, गोल में यानी सारी सामग्री को हमें अच्छी तरह से कर लेते हैं। आप देख सकते हो आई के हाथों से एकदम जो माँ का हाथों का जो टेस्ट होता है दोस्तों आचार में सही में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब मिर्च ले लेनी है, मिर्च को भी साइड में इसे गोल गोल करके डाल देनी, स्प्रिंकल करना है। ये करने का कारण मैं बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे आई ने बताया इस तरीके से करने से क्या होता है, तो अच्छी तरह से मसाले में आचार में अच्छी तरह से मसाला लग जाता है। अभी जो राई के कुरिया ले लेना है इसे भी गोल गोल करके डाल देना है ना। अब यहाँ पे भी इस तरीके से जो लहसुन हमें कट करके रखा था वो दरदर वो भी ले लेना है। अब इसी के साथ ही हमने ले लेना है हल्दी, हल्दी को भी ऐसे ही डालना है जैसे माँ बता रही है दोस्तों वैसे हमें करते जाना है। जो हींग आधा हमने बचा के रखा था वो थोड़ा सा तेल में हमें डाल देना है क्योंकि तेल का जो टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था इसलिए बाद में डालना है, पहले नहीं डालना है। यदि आप हींग को पहले डाल दोगे दोस्तों तो हींग जल जाएगा। आई अच्छी तरह से चला रही है, अभी जो तेल गर्म हो गया अभी हल्का सा गुनगुना, ज़्यादा गुनगुना ना का हल्का सा करना है। अभी इसके ऊपर हमें डालते जाना और एक जगह चलाते हुए जाना है, आप देख सकते हो मसाला हमारा अच्छी तरह से भून कर हो जाता है। सारा ही डाल दूँ ना आई तेल, तो यहाँ पे मैंने सारा ही तेल इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हो मसाला कितना एकदम अच्छी तरह से कुक हो रहा है। ये होता है तरीका आचार बनाने का सही।
रिजल्ट के आपको मालूम हो ही चुका होगा। अभी इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं 2 मिनट तक। इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया, अभी तेल बहुत ही गर्म है। हाँ दोस्तों, अभी इसे ठंडा होने को रखना है पंखे के नीचे। जब तक कि हमारा मसाला पूरा ठंडा ना हो जाता है तब तक हमें इसे कैरी नहीं डालनी, ठंडा होने के बाद ही इसमें कैरी डालनी है। अब इसे हम पंखे के नीचे इसे रख देते हैं और बीच बीच में इसे गोल गोल इसे घुमाते भी रहेंगे, यानी चलाते रहेंगे। यहाँ पे हमारा अचार का मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो। इसे मैंने पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब बरनी में लेनी है अचार वाली, आप देख सकते हो। बरनी को मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है और इसे हमने कड़कती धूप में रख लिया है। ऐसे रखने से क्या होता है, अचार अच्छा रहता है। और हाँ दोस्तों, बरनी में थोड़ा यानी थोड़ा भी गीलापन नहीं चाहिए, यदि गीलापन होगा तो अचार जल्द से जल्द खराब हो जाएगा। इसे मैंने धूप में रखे, इसे निकाले, एकदम अच्छी तरह से सूख कर हो गई बरनी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सीक्रेट तरीका जिससे अचार हमारा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग बचा के रखा था, आप देख सकते हो। थोड़ा सा हींग लेना है, थोड़ा सा, और इसके वो नीचे हमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करने लगा बरनी के अंदर। ये करने से क्या होता है, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और अचार हमारा ख़राब भी होता नहीं। इसे मुझे मेरी मम्मी ने बताया, तो वही टिप मैं आपको बता रही हूँ। अभी मसाला ले लेते हैं। जो कैरी हमने ड्राई करके रख ली थी, अभी इसके अंदर हमें डाल देनी है थोड़ा थोड़ा करके। देख सकते हो, अभी एक जगह मम्मी हिला रही है, चला रही है, मतलब इसे अब इसे अच्छी तरह से पूरी कैरी हमें डाल देना है। अब यहाँ पे बरनी ले ली, अभी बरनी में हमें अचार डाल देना है इस तरीके से, आप देख सकते हो। अभी इस तरीके से हमें अचार थोड़ा थोड़ा करके बरनी में डाल देना है। बरनी अच्छी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों। 4-5 चम्मच हमने डाल दिया। अभी इसके ऊपर हमें और थोड़ा सा हींग को स्प्रिंकल कर लेना है। थोड़ा अचार डालना है और थोड़ा स्प्रिंकल करना है, थोड़ा अचार डालना, थोड़ा स्प्रिंकल करते जाना हींग का, तभी हमारा जो अचार ना खराब होता नहीं है। अब यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है, वापस इसमें कैरी लेना है, कैरी और इसके ऊपर हमें इसे डालते जाना है। हाँ दोस्तों, जैसे हमने पूरी कैरी और हींग डाल दिया तो इसे तुरंत चलाना नहीं है, दूसरे दिन ही हमें इसे चलाते जाना है। तो इस तरीके से कैरी और हींग डालते जाते हैं। अचार मैंने डाल दिया, अभी इसके ऊपर हमें कॉटन का कपड़ा लगा लेना है दोस्तों, और इसे जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ पर इसे रखना है। 2 दिन तक इसे बीच बीच में चलाते जाना है, 1 दिन में ही 2 बार चलाना, ज़्यादा चला चला नहीं करना, इस बात का ध्यान देना। कपड़ा बांधना है, अच्छी तरह से हमारा सेट हो जाता है ना फिर ये अचार, तभी ऊपर ढक्कन लगा लेना है। बनकर तैयार हो गया हमारा झटपट माँ का हाथों का अचार। रिजल्ट देख सकते हो, देखते ही मुँह में पानी आ गया ना। बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है दोस्तों। उम्मीद तो करूँगी कि मम्मी का हाथ का अचार आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक बार अपने घर पर जरूर बनाना है और हमें बताना कि कैसे बनाए।